हाँ भैया जय सर, देवेंद्र बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ देवेंद्र, और बताओ। बस आशीर्वाद ऐसा बढ़िया चल रहा है। ये तो गए नए, डीआईजी नए एसएसपी बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर। हाँ दिनेश भी बहुत ईमानदार है, सहारनपुर में था, इसका बड़ा अच्छा नाम था सहारनपुर में। जी सर जी। वो ज्वाइन कर लिया है, कल जो है यहीं से आएंगे, हमारी रोड से एक्सप्रेस वे पड़ता है सर, जो दिल्ली दिल्ली आगरा से ही ज्वाइंट है, जो है आगरा टू लखनऊ। तो आगरा से लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है, ये बिल्हौरा से होकर गया है सर। तो जब ये कल आएंगे तो यही इसी से आएंगे, तो हम कल जो कल आना है उनको, तो रिसीव हम ही करेंगे सर, उनको लेकर के जाएंगे। जी सर ठीक ठीक है, कर लो बिल्कुल। जब सर आप के अंदर में रहें सर, ज्वाइन कर लें तो मुझे बता देना, मैं उससे बात कर लूंगा। सर दो सीओ अभी जो इंस्पेक्टर से प्रमोशन हुए हैं सर, तो हाँ दो सीओ लोगों की पोस्टिंग हुई है सर, तो इसलिए साहब बात करना जरूरी, कहीं मुस्लिम इलाके में ना कहीं हमारा कर दी फेर बदल में, तो ये तो हम यहीं पड़े रहे। ठीक है, कोरोना से अच्छा है साहब देहात, ठीक है, सिटी में तो बहुत ही समय कोरोना का। हाँ बहुत बहुत हालत खराब है, हालत खराब। आप ठीक कह रहे हैं, अभी जुलाई अगस्त में बहुत बढ़ना है, बहुत बढ़ना है, और मुस्लिम इलाके वगैरह में तो पोस्टिंग कतई मत लीजिएगा। तो इसीलिए तो सर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं सर कि थोड़ा सा घुमा के कह दीजिए कि बहुत अच्छा है ये है वह, ताकि हमें ना डिस्टर्ब करें सर उधर, क्योंकि दो सीओ आए हैं सर, तो इनकी पोस्टिंग तो हो गई करेगी दो सीओ को, एक तो सीओ ऑफिस हो जाएगा, एक सीओ ट्रैफिक बना सकते हैं, तो अपना आए तो अपना सीओ ट्रैफिक हो जाएंगे। कोई सर्किल खाली है समय? नहीं, सर्किल कोई खाली नहीं है, सर्किल एक 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 जो है सीओ ऑफिस का ट्रांसफर हुआ है, सीओ क्राइम सीओ ऑफिस उसका ट्रांसफर हुआ है, उसकी जगह एक सीओ एडजस्ट हो जाएगा। एक सीओ का ये जो है तिपरारी पाणे ट्रैफिक का भी चार्ज लिए है, और सीओ सीसा मऊ का, तो अगर तो सीओ ट्रैफिक का अलग सीओ होता है, तो वो सीओ तिवारी पांडे इनके इनके भी करीब रहा होगा, आनंद देव के। अरे लुटेरा आनंद देव है, करो अरबों रुपया लेके चला गया करोड़ों। यहाँ पर लोहिया लोहिया पथ है कौन है यहाँ पर, किसी से ईटा, किसी से मोरम, किसी से वो क्या नाम है सीमेंट लोहा व्यापार यही करता रहा है। लोहिया पथ पे क्या करेगा ये साहब? जब ये एसटीएफ में था सर, तो इसको मायावती सरकार ने जो दतुआ मारा गया था तो प्लाट दिया गया था। मैंने ही दिलाया था। हाँ नहीं तो उस समय आईजी एसटीएफ था, ये मेरा एडिशनल एसपी था एसटीएफ में। तो हाँ तो सर, तो उसी में इसने बंगला खड़ा कर दिया बड़ा भारी पूरा। कहाँ? ये लखनऊ में? लखनऊ में। हाँ तो वो तो इसको प्लॉट तभी दिलाया था। जी सर जी सर। हाँ मैंने उसमें अलॉट कराया था इसको, एलडीए से प्लॉट फ्री मिला था। जी सर। तो ये तो इसी में पूरा कर रहा था। चलो ठीक है, अब जो है तो है, अब क्या किया जाए। मुकुल ये तो ठीक होंगे, ये आईजी जो है? हाँ साहब आईजी ठीक है सर, आईजी अच्छे हैं। मोहित अग्रवाल मेरा एसपी था रायबरेली में। जी जी सर, दो तीन बार साथ रहा है, अच्छा है, होशियार है। हाँ ठीक, और क्राइम लेवल पे लिखा पढ़ी करता रहता है, काम करता है। जब तक ये साहब ये एडीजी हो रहे थे, इसके डंडा किए थे, जब से एडीजी चले गए तब से ये खूब लूटा। क्या नाम, प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश भी दबाए रखते थे इसको, एसएसपी को क्या नाम ये उसकी, जब जैसे वो चले गए तैसे फिर शुरू कर दिया। लेता तो पहले से कि जिसका ब्याज का पड़ा है उसका, जिसका उधार का पैसा पड़ा है उसका, उसको उठा लाओ, या सौ लोगों को उठवा के कभी उठा दिया, कुछ मिले कुछ लोग पूरा अपना हजम कर जाए। कोई कहा कि हमें जमीन दिया है, पैसा नहीं दे रहा, कितना पड़ेगा 80 लाख, जितना पैसा अपने पास रख लिया, भाई चले जाओ, क्या करता क्या था पैसे का इतना? तो यही तो करता है, मकान साले को जमीन दिलवाता था, साला उगा करके जमीन जायदाद खरीदारी करता था, इसका साला साथ में रहता था, भाई भाई को नहीं किए था, भाई को दूर रखे था, वही अपना नोएडा में रहो, नोएडा में भी मकान है, यही किया।
क्या करेंगे, इतनी संपत्ति का करेंगे क्या, उसी में डूब जाएंगे। तो भाई पांडे का रिटायरमेंट कब है इसका? अभी है 2-3 साल में 2 साल में। वो भी लूट मचा रहा होगा कानपुर में? कानपुर में रहा है सर, पूरी नौकरी सिपाही रहा, हवलदार हुआ, एसआई हुआ, वहीं से आउट ऑफ टर्न में फिर इंस्पेक्टर हुआ, वो दद्दा शुक्ला कराता रहा सिपाल से कह करके, फिर जीआरपी में रहा 3 साल इंस्पेक्टर। चलो आपकी जब ये दिनेश पी ज्वाइन कर लें तो मुझे जरा रिंग कर देना, मैं अगले दिन उसको फोन करके कह दूंगा। जी सर कह दीजिएगा सर। ठीक ठीक। और साहब अभी आप अभी आपकी पोस्टिंग अभी आपकी पोस्टिंग सीओ बिलौर है सर। वो बिलौर कितनी दूर पड़ता है कानपुर से? 60 किलोमीटर है सर। अच्छा तो रोज लौटना हो जाता है? नहीं सर, मैं रोज जाता हूँ। कहाँ? बिलौर में ही? बिलौर में रहता हूँ। कोई बात होती है तो दिक्कत हो जाती है सर, मान लीजिए मर्डर हो गया कहीं हो गया तो दिक्कत हो जाएगी सर, इसलिए। कौन कौन थाने हैं? कौन कौन थाने हैं बिलौर? चौबेपुर तक शहर से थोड़ा सा लगा हुआ है मंदना कल्याणपुर के बाद, चौबेपुर, शिवराजपुर और ये बिलौर और ककवन। अच्छा, इसमें क्राइम है सर्किल में? क्राइम कम है। चलो अच्छा, आपके एसपी कौन है? हम आपको चेला ऐसा हो प्रद्युमन सिंह, जो सीओ जीआरपी में थे ना सर, वहाँ इलाहाबाद। हाँ, ठीक है वैसे वो तो। हाँ ठीक है। चलो अच्छा है, मैं परसों बोल दूंगा दिनेश साहब। आपके अंदर में वो बहुत मानते थे आपको, भगत कौन, वो विशेष सचिव है सर ना इस समय गृह विभाग, भगत। हाँ साहब, वो भगत नहीं थे साहब एस पी जीआरपी, एस के भगत। हाँ एस के भगत, वो होम सेक्रेटरी हो गया है। हाँ साहब वो अच्छे, हाँ स्पेशल सेक्रेटरी होम नहीं है, होम सेक्रेटरी हो गया। जी सर जी सर। हाँ एस के भगत अच्छा ऑफिसर है। तो उनसे चाहे साहब कह दीजिए, कह दी। वो नहीं, वो क्या करेगा तो आप? अरे नहीं, उसकी कहने उसका नहीं सुनेगा वो दिनेश की। अच्छा। ना एस के भगत कहेगा। एस के भगत का कोई रोल थोड़ा ही है अभी ज्यादा, माँ तो सब वो अवनीश अवस्थी ने कब्जा कर रखा है। अच्छा सर। वो तो अवनीश अवस्थी सब होम में चला रहा है। वही चला, हाँ वही चला रहा है। वो मैं इससे दिनेश पी से डायरेक्ट कहूँ। एडीजीएलओ भी दब गए सर, ये भी नहीं कुछ कर पा रहे। कौन? प्रशांत कुमार? हाँ सर। किससे दब गए? मतलब पहले जोन में थे ना मेरठ में, तो काफी ना दौड़ धूप करके काफी उनका नाम था, दबाव रखते थे, एसपीओ पे दबाव बनाए थे, यहाँ तो चुपचाप बाबू बन गए। नहीं अभी देख रहा है, समझ रहा है, वो होशियार आदमी है, वो धीरे धीरे हावी हो जाएगा सिस्टम। अच्छा चलो, आपको क्या लेना देना। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है।